बहुत लंबी कहानियां हैं बाबा जी के अनुभव की भी, लेकिन बाबा जी की कहानियों को जो मैंने जाना वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले अपने जो मुलाकातें हुई हैं वो बता दूंगा। और इसके बहुत जल्दी मुझे दोबारा बाबा जी से मिलने का अनुभव हो गया। मेरे नाना जी थे मथुरा में, मेरे माता जी के चाचा जी, वो भी जज थे। एक बार उनके यहाँ गए हुए थे हम और वो बाबा जी से मिल चुके थे, और लखनऊ में भी बाबा जी से मिल चुके थे। लखनऊ में उनका अपना घर था, जज थे बहुत समय तक, रिटायरमेंट के बाद भी कई पदों पर रहे वो। तो वहाँ ये हो रहा था कि वो बाबा जी से मिलने जा रहे थे, और मैंने उन्हें बताया कि मैं नींव कर रही बाबा से, तो मैं पिछले साल मिल चुका हूँ कुछ महीने पहले ही। उन्होंने कहा चलो, मेरे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात थी। फिर दोबारा प्रभु जी मैं उनके साथ, अपने नाना जी के साथ, यानी मेरे माता जी के चाचा जी, वही थे फर्रुखाबाद के, वही शिवरामऊ के पास जो हमारा ननिहाल है, वही उनका जन्म भी हुआ था। और हम लोग गाड़ी में वृंदावन गए बाबा जी से मिलने। उनके साथ कोई और भी अधिकारी थे, शायद कोई जज ही रहे होंगे। बाद में मुझे पता चला कि बड़े बड़े अधिकारी बाबा जी के पास आते थे, और जज तो बहुत सारे, मुझे लगता है एक जो डिस्ट्रिक्ट जज जाता होगा तो बाद में कह देता होगा कि बाबा जी से मिलकर आना, बाबा जी के चमत्कारों की बातें करते होंगे। जो भी हो, फिर मैं उनके साथ गया। बाबा जी से तो वो पहले से परिचित थे। फिर प्रभु जी वही नीचे फर्श जैसे बिछे हुए थे, जाके बैठ गए और बाबा जी ने हमें पहचान लिया। बाबा जी ने कहा किनके साथ आए हो, क्योंकि तीन लोग थे ना, और मैंने बताया ये मेरे नाना जी हैं। फिर वो उन्होंने कुछ बाबा जी से कहा, तो बाबा जी ने कहा हाँ हम जानते हैं, पहले मिल चुके हैं। और फिर बाबा जी बातें करते रहे प्रभु जी, और उस दिन छुट्टी थी शायद, तो दोपहर का प्रसाद भी वहीं आश्रम में हुआ, भोजन प्रसाद हुआ। बाबा जी ने पहले चाय पिलाई, प्रसाद कहा, और प्रसाद का मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद उस दिन आश्रम में जलेबियां बन रही थी, तो जलेबी सबके लिए आई, वहाँ पर जलेबी खाई, चाय पी। और इसके बाद चूंकि काफ़ी देर तक वो लोग बातें करते रहे, दूसरे भी शायद जज थे, वो पहली बार मिलने आए थे बाबा जी से, तो बाबा जी को मैं तो वहाँ ये सुनता रहा कि बाबा जी तो सारी घर परिवार की बातें करते रहे, कहाँ रहते हैं, ये करते हैं, कितने भाई हैं, क्या हैं, कब से नौकरी करते हो, पिताजी क्या करते थे, यही सब बातें बाबा जी करते रहे। और उसके बाद करके भोजन करके जाना, और फिर हम लोग गए वहाँ, वहाँ हम लोगों ने भोजन किया। एक घंटे करीब रहे होंगे बाबा जी के पास, और बाबा जी के पास हर तरह के लोग आते थे, जो बैठे रहते थे ऐसे लगता था कोई गांव का आ गया है, कोई आसपास का आ गया है, और बाबा जी उससे भी उसी तरह की बातें करते थे। कुछ लोग अपनी कोई परेशानी लेकर भी आते थे बाबा जी से, तो बाबा जी उससे बात करते थे, अच्छा ये है, ये परेशानी है, क्या हो सकता है, ये हो सकता है, अच्छा चलो तुम उसको बोलना, वहाँ जाके अपनी शिकायत दर्ज कराना, तुम्हारा काम हो जाएगा, इस तरह की बातें करते थे। लेकिन बोलने का तरीका वही मिठास, वही बाड़ी, मीठी मीठी बोली, जैसे लगता नहीं था कि कोई पुरुष ऐसी वाली बाणी मिक्स थी उनके अंदर, ऐसा लगता था दोनों पक्ष थे, राधा और कृष्ण वाले। और बाबा जी हमेशा कहते थे ग्रस्त में रहकर भगवान को पाया जा सकता, और एक बाबा जी कहते थे कामनी और कंचन बस एक अवरोध होता है ग्रस्त में, कामनी और कंचन पर अगर विजय प्राप्त कर लो तो आप ग्रस्त में रहकर भी संत की तरह रह सकते हैं। और एक बाबा जी कहते थे कि ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब तो हैं, इससे भागना नहीं है, इसको भगवान में लगा लेना है।
कहानियाँ चमत्कार तो आपने बहुत सुना है, मैं आपकी बाबा जी की उन बातों को बता रहा हूँ। बाबा जी कहते थे कामनी का मतलब आप समझते होंगे और कंचन माया, दोनों ही माया है। ये भी माया है शरीर के रूप में, वो माया है द्रव के रूप में। कहते थे ये अवरोध हैं, इससे भागो नहीं, इसको भगवान में लगा दो। कामनी को अगर आपके मन में काम है तो उस काम को भगवान की तरफ लगा लो, भगवान से जोड़ लो। और बाबा जी महिलाओं को सबको माँ कहते थे, इसलिए उसको माँ की तरह मान लो, राधा रानी में उस काम को जोड़ लो, उनके साथ जोड़ लो, और माया को राम के साथ जोड़ लो, दोनों को भगवान के साथ जोड़ लो, तो ये तुम्हारे जीवन में अवरोध नहीं होंगे। तुम्हारे अंदर वासनात्मक प्रवृत्तियां हैं लेकिन वो वासना उस तरह से नहीं आएगी, क्योंकि वो भगवान के साथ तुमने जोड़ लिया है। भागने की जरूरत नहीं है, वो कहते थे साधु बनने की जरूरत नहीं है, वो कहते थे साधु और गृहस्थ को अलग अलग रहना चाहिए। साधु को साधुता ही करनी चाहिए, तप करे, जप करे, साधन करे, आराधन करे, और गृहस्थों को उनकी देखभाल करना चाहिए। साधुओं को गृहस्थ में या इस संसार में ज्यादा लिप्त नहीं होना चाहिए। और ये जो अपना अहंकार है ये बाबा जी को भगवान को समर्पित कर दो। तुलसीदास जी ने भी तो यही कहा है, काम है नार प्यार जिम और लोभी प्रिय जिम दाम और तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। उन्होंने कहा था, यही बाबा जी कहते थे, कामी व्यक्ति के लिए जिस तरह से नारी प्रिय है, लोभी व्यक्ति के लिए जिस तरह से दाम प्रिय है, उसी तरह से प्रभु मैं आपकी भक्ति मुझे मिल जाए और मेरी लौ आप में लग जाए। बाबा जी भी यही कहते थे, कामनी और कंचन ये दो गृहस्थ में संसार के लोगों के लिए अवरोध हैं, पर इनसे भागना नहीं है, आसक्ति नहीं होना है, लिप्त नहीं होना है, इनके साथ रहना है, इनके साथ रहो, लेकिन भाव बदल लो अपना। देवराह बाबा तो मचान पर किसी को आने नहीं देते थे, कभी किसी को स्पर्श नहीं करने देते थे, और ये बाबा जी नीप करोरी बाबा, क्या महिला क्या पुरुष सब उनके आसपास रहती थी, घेरे रहती थी। बाबा जी की जो विशेष दो भक्त थी, रिद्धि माँ और सिद्धि माँ, तो सिद्धि माँ तो ज्यादातर बाबा जी के साथ ही रहती थी, बाद के वर्षों में तो बिल्कुल उनके पास रहती थी, उनके कमरे में ही रहती थी, भोजन कराना, उनकी सारी व्यवस्था करना, सब करना। कुछ उनके भक्त भी थे, उनके बारे में कथाएं मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन बाबा जी ने अपनी कुछ विशेष कृपा अपने दूसरे पुत्र को दिया, और अपनी कुछ विशेष भक्ति सिद्धि माँ को दी। सिद्धि माँ तो बिल्कुल बाबा जी की आज्ञाकारी थी, उत्तराखंड की थी वो। ये मैं आपको एक एक चीजें बताऊंगा, क्यों कैची में आश्रम बना, नीव करोरी बाबा के कहने का क्या मतलब है, उनको ये सिद्धियां कहां से प्राप्त हुई, क्योंकि उनको उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि वो क्या जप करते थे, क्या तप करते थे, क्या उनके गुरु हैं, किसी को नहीं बताया। बहुत लोगों ने जानने की कोशिश की, बाद में जो पत्रकार भी उनके पास आए उन्होंने भी पूछा, उन्होंने किसी को नहीं बताया। अमेरिका के देशों के बहुत लोग आते थे बाबा जी के पास, और बाबा जी बहुत चर्चित हैं, आप लोग जानते होंगे तीन बातों से कि बाबा जी के भक्तों में एप्पल के जो हैं स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और एक कोई अभिनेत्री, लेकिन ये तीनों बाबा जी से बाबा जी की समाधि के बाद मिले। बाबा जी के एक अमेरिकी भक्त थे एलवर्ड, शायद
उनको बाबा जी के वो भक्त हो गए थे, तो बाबा जी ने उनको रामदास नाम दिया था। उन्होंने एक बुक लिखी और वो किताब इंग्लिश में थी। जब वो यूरोप में और अमेरिकी देशों में गई, लोगों ने पढ़ा कि ऐसे चमत्कारी व्यक्ति भारत में है, हिमालय में, और देश भर में घूमता है, कैंची में उनका आश्रम है, तब ये लोग मिलने आए। एक एक करके आते गए, बाबा के भक्त होते गए। रामदास जी बाबा जी के पूरी तरह से भक्त हो गए थे, उन्होंने उनको रामदास नाम दिया था। उनकी पत्नी को शायद राधा माँ, और बाबा जी माँ कहते थे, राधा माँ। और जो ये सिद्धि माँ है, इनको भी सिद्धि माँ कहते थे। सिद्धि माँ का ऑरा मैंने देखा है प्रभु जी, सिद्धि माँ का तेज हमने देखा है। एक बार बाबा जी ने उनसे कह दिया, अब तुम मौन धारण कर लो। उन्होंने बाबा जी के सामने ही मौन धारण कर लिया था और अपने शरीर छोड़ने तक वो मौन ही रही। ओम बोलती थी, ओम, उनको मौनी माँ भी लोग कहते थे। और उनसे जो मेरा जो ज्यादा मिलना कहते हैं ना, करीब से मिलना, वो हुआ बद्रीनाथ में। 2008-09 की बात है, जब मैं 2 वर्ष के लिए हिमालय में था, तो मैं बद्रीनाथ में एक शेष नेत्र आश्रम में रुका हुआ था। शेष नेत्र आश्रम है स्वरूपानंद सरस्वती जी का, जो है ना ज्योतिर्मठ जो है कहलाता है, तो वो शेष नेत्र आश्रम, शंकराचार्य जी का आश्रम भी उसे कहते हैं। मैं उस आश्रम में रुका, बहुत समय रहा, 1 महीने वहीं रहा। एक दिन देखा बसें आई, लोग काफ़ी, और जिस जहाँ मैं रुका हुआ था तो 2 आश्रम के हिस्से थे दूसरे हिस्से में। और मैंने देखा एक जीप से सफ़ेद वस्त्रों में एक माता जी कैप लगाए हुए, चश्मा लगाए हुए उतरी, और उनको लोग सहारा देके उनको ले गए उस आश्रम में, और करीब 50-60 लोग साथ में। मैंने स्वामी जी से पूछा वहाँ कि ये कौन आया है। उन्होंने कहा कि कैंची से, नैनीताल से, कैंची आश्रम से माता जी आई हैं, ये सिद्धि माँ हैं, यहाँ भागवत का कार्यक्रम है, उन्होंने यहाँ भागवत कराने के लिए आई हैं, तो उनके सारे भक्त आए हैं और यहाँ कल परसों से यहाँ भागवत होगी। और कैंची का नाम सुनते ही प्रभु जी पता चल गया। मैंने कि नीप करोरी बाबा, बोले हाँ नीप करोरी बाबा के आश्रम से आई हैं सिद्धि माँ। उनके बारे में तो मुझे पता था, क्योंकि ये तो 2008-09 की बात है। प्रभु जी मेरा तो धन्य धन्य। मैंने कहा जय हो, अब ये 7 दिन 8 दिन जितने भी दिन भागवत होगी, और मेरे बराबर में ही माता जी हैं, मिलना भी होगा, दर्शन भी होंगे उनके। और प्रभु जी वो 7 दिन की भागवत वहाँ सुनी, और माता जी के कमरे में तो रोज ही जाना। माता जी के बेटे थे शायद, उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, शायद गजेंद्र जी थे, उनसे भी मेरा उस समय अच्छा परिचय हो गया था। और उस समय मैंने सिद्धि माँ के साथ जो भक्त आए थे 50 लोग, हर उम्र के लोग थे उसमें, 40, 50, 60, 70, 80 वर्ष के लोग भी थे। और मेरी तो वही जिज्ञासा, मैं पूछता था बाबा जी से मिले, क्योंकि मैं सबको बताता था मैं तो बाबा जी से बचपन में 3 बार मिला। और जब मैं कहता था बाबा जी से मिला, उसमें बहुत से लोग थे उन्होंने बाबा जी के दर्शन नहीं किए थे, क्योंकि बाबा जी तो 1973 में समाधि ले ली थी उन्होंने, लेकिन बाद में लोग माँ से जुड़ गए, सिद्धि माँ से। और उनमें से बहुत लोग थे जिन्होंने बाबा के दर्शन किए थे, कैंची में भी और वृंदावन में भी। अब मैं उनसे बाबा जी के बारे में पूछता था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मुझे कुछ नहीं आता, मैं पूछता था बाबा जी कैसे थे, क्या थे, क्या खाते थे, क्या साधना थी उनकी, कौन लोग मिलने आते थे, क्या चमत्कार क्या आपके साथ भी कुछ घटा। ऐसे 7 दिन तक उन 50 लोगों के साथ रहे और माता जी के रोज दर्शन करना जाना। माता जी ओम करके बोलती, गजेंद्र जी मुझे शायद पहली बार, दूसरे ही दिन हो गया था परिचय, इसलिए हो गया था कि मैंने कहा था मैं तो वृंदावन, मेरे तो 20 वर्ष मथुरा में ही रहे, और बाबा जी के मैंने 3 बार दर्शन किए। मैंने कहा मैंने प्रसाद भी लिया, और बाबा जी ने मुझे कहा था हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, तो वो लोग बाबा जी के, मैंने बाबा जी के दर्शन किए, और उनमें से बहुत लोगों ने बाबा जी के दर्शन नहीं किए थे, तो मैं उनका भी प्रिय हो गया था उस समय, 2008-09 की बात है। और वो मुझे ले गए, उन्होंने बताया कि उन्होंने बाबा जी के दर्शन किए हैं, और सिद्धि माँ मुझे वहाँ मिली। मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको एक बार वृंदावन में भी देखा था, मैं आपसे मिलने आया था, और
काफ़ी देर बैठा रहा, फिर वहाँ स्लेट रखी थी, कभी कभी माता जी कुछ लिख के भी बातें कर लेती थी वहीं पर, और कुछ होता था ओम बोलती थी। ओ एक ऐसे वाई थोड़ी ऐसे करके बैठी रहती थी, सामने एक तख्त था और तख्त में बस बैठी रहती थी, लोग उनसे मिलने आते थे चले जाते थे कुछ समय के लिए, और उन्हें कुछ बोलना होता था ओम कर देती थी ओम। माता जी ने उनसे कहा होगा बाद में, स्लेट पे लिख के उनको कुछ बोला गजेंद्र जी को, और गजेंद्र जी ने मैंने अपने आप अपना परिचय दिया था कि मैं यहीं आश्रम में रुका हुआ हूँ, बराबर में ही रहता हूँ मैं, और मैं ऐसे ऐसे करके हिमालय आया हूँ। माता जी ने गजेंद्र जी को कुछ लिख के दिया, ये लिख के दिया कि इनको कहो कि प्रसाद यहीं लिया करें। जय हो। इनके संग पूरा किचन आया था, हलवाई आए थे, भागवत सुनता था, और मैं वहीं प्रभु जी बाल भोग वहीं, दोपहर का भोजन वहीं, और आनंद रोज माता जी के दर्शन करने जाता था। तो ये हुई नीव करौली बाबा से दो परिचय बता दिए, सिद्धि माँ के बारे में बता दिया, इसके बाद आपको बताएंगे बाबा जी की कहानियां। कहानियां का मतलब बाबा जी क्या कहते थे, क्या उनकी शिक्षाएं थी। चमत्कार, चमत्कार बताना तो प्रभु जी अलग बात है कि जब भक्त चमत्कार बताते हैं ना, तो जब किसी को गुरु मान लेते हैं तो क्या करते हैं, वो इतनी सी बात को इस तरह से कहते हैं। लेकिन मैंने वो वहां 2008 में जो 50 लोग आए थे बाबा जी के, सिद्धि माँ हर साल किसी साल दो साल में कहीं ना कहीं भागवत या कोई ऐसे कार्यक्रम कराती थी और अपने भक्तों को ले जाती थी, और बाबा भी अपने समय में ले जाते थे, कभी साउथ, कभी मुंबई, कभी जगह जगह जाते थे, ले जाते थे, सिद्धि माँ उनके साथ जाती थी। तो बाबा जी के बाद सिद्धि माँ ने वो परंपरा जारी रखी। अब आगे के उसमें मैं आपको बताऊँगा बाबा जी के जन्म की कुछ कहानी, बाबा जी के जाने की, बाबा जी को कैसी सिद्धियां प्राप्त हुई, कैसे सिद्धियां प्राप्त हुई, बाबा जी के सद्गुरु कौन थे, नहीं पता होगा आप लोगों को, लेकिन जो मुझे संकेत मिले हैं मैं आपको बताऊंगा। कहां से बाबा जी को बोध हुआ, नीव करौली की क्या विषय व्यवस्था विशेषता थी, वृंदावन में बाबा जी ने पहले से तय कर लिया था कि मेरी समाधि का स्थान क्या होगा, ये सारी बातें अगले 2 या 3 एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग एक बात तो बाबा जी की अपने कर लें, क्योंकि हम सब संसारी हैं, ग्रस्त में रह रहे हैं, कामनी और कंचन से भागना नहीं है, उनके बीच में रहकर उनमें लिप्त नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है, और जब भी लगे लिप्तता हो रही है, जब लगे आसक्ति बढ़ रही है, उनको भगवान के साथ जोड़, अपनी आसक्ति भगवान के साथ जोड़ो, और ग्रस्त में रह के और जो लोग हैं जहां आपका काम जागृत हो रहा है वहां उनमें राधा देखने लगो, देवी देखने लगो, मां स्वरूप में देखने लगो। ऐसे ही कंचन में लिप्त मत हो। बाबा जी भी कहते थे परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, कमाओ, बांटो, सेवा करो, उसमें लिप्त मत हो, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हें मिला है, अपनी ज़रूरतें पूरी करो और बाकी लोगों की ज़रूरतें पूरी करो। वो कहते थे, एक उनका ये था कि हम जो हैं सारे अपने ब्लड रिलेशन में, खून के संबंधों में ही प्रेम करते हैं, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, जीव और जगत सबसे प्रेम करो तो जगदीश्वर मिलेंगे। संसार में हो तो प्रभु की सब चीजों से प्रेम करो और भोग करो, आसक्त मत हो। ये अगर आज हम इसको कर लें, और तुलसीदास जी ने भी तो यही लिखा था, मुझे बाबा जी की जब भी मैं बात करता हूँ मुझे वही तुलसीदास जी की याद आती है, मैं कभी कभी कई जगह जाता हूँ तो मैं इसको बोलता भी हूँ। तुलसीदास जी ने लिखा था, काम है नार प्यार जिम, लोभी प्रिय जिम दाम,
तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। उन्होंने ये कहा कि ये तो चीजें आसक्त नहीं हो, सब ठीक है, लेकिन मुझे तो आप ऐसी भक्ति दो कि मैं निरंतर आप में लय रहूं। इनकी तरह इनका तो कभी कभी पैसा, कभी कामनी, कभी कंचन, लेकिन मुझे तो प्रभु ऐसी भक्ति लो मैं निरंतर आप में ही भक्ति में लय रहूं। ऐसे थे नीव करोरी बाबा।